तो ये लिखा हुआ है रिफ्रेश द डेस्कटॉप ऑफ सिस्टम यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाएंगे, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ वो इंटरफेस खुलेगा, जो देखिए फ्रेंड्स कैसा खुलेगा, ऐसा आया। अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है आपको रिफ्रेश द डेस्कटॉप सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कह रहा है कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे डेस्कटॉप पे, तो रिफ्रेश माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा। माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद जो रिफ्रेश आएगा, रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर पुनः आ जाना है, फिर से आ जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट लिखा है, इस सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा लेगा, उसके बाद ये रहा फ्रेंड्स तो कुछ ये इसमें लिखा हुआ शॉर्ट द आइकन ऑन द डेस्कटॉप, तो ये कह रहा है शॉर्ट आइकन बदलने के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम तो फ्रेंड्स माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, इसमें जाना है शॉर्ट में और नेम पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑटो अरेंज द आइकन कह रहा है, तो स्टार्ट करेंगे पहले फ्रेंड्स, उसके बाद व्यू में जाना है, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक किए, यहाँ पर व्यू लिखा हुआ है, व्यू में जाएंगे, यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऑटो अरेंज आइकन्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बस इतना हो जाने के बाद अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले, स्टार्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स फिर से आया, इसमें शॉर्ट बाय में जाना, शॉर्ट बाय ऑप्शन में जाना है और आइकन्स को डेस्कटॉप अकॉर्डिंग अटेम कर देना है, अटेम। तो चलिए हम शॉर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कह रहा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे कह रहा था ना, यहाँ पे फ्रेंड्स इसी को क्लिक करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि करेक्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए माउस को हम राइट बटन सेलेक्ट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, देखिए ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। चलिए हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक के लिख दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस करने के बाद ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड फिर से हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑफ विंडोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट बटन फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, जहाँ पे मैं कर्सर को ले गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक दो बार क्लिक करेंगे, उसके बाद कर सबमिट करने के लिए, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबमिट करने पर ओके लिखा साइन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके कर देंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा ओपन द सेटिंग शॉर्टकट यूजिंग की से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं राइट बटन क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद कह रहा है कि स्टार्ट मेन्यू सेंटर मेन्यू बाय क्लिक ऑन राइट बटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जाने के बाद इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस करने के बाद हो गया फ्रेंड्स, अब सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक। और फ्रेंड्स चले पर्सनलाइज करने के लिए कह रहा है, मतलब वॉलपेपर जो लगाइएगा ना फ्रेंड्स, वो तो आपके स्क्रीन पर देखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, सबसे नीचे देखिए फ्रेंड्स, सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स पर्सनलाइज। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा फ्रेंड्स, देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुला। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे कुछ फ़ोटो दिया गया है, तो फ़ोटो को एक सिलेक्ट करेंगे ये। चलिए मैं फ्रेंड्स मैं दूसरा फ़ोटो ले सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं इसका इस प्रकार का पर्सनलाइज पेज में से किसी एक को सिलेक्ट करके और वो सबमिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
सबमिट करने के बाद, इतना करने के बाद ओके साइन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके के साइन आने के बाद ओके कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इसमें कौन है, शॉर्ट बाई में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें शॉर्ट बाई में जाने के बाद आपका माउस को, चलिए तो माउस का हम राइट बटन पहले क्लिक करेंगे। व्यू में जाएंगे फ्रेंड्स, व्यू में जाने के बाद साइज में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साइज में क्या करना है, स्मॉल साइज करना है। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे और सॉरी शॉर्ट बाई में जाएंगे और शॉर्ट बाई में जाने के बाद स्मॉल साइज लिखा हुआ है। देखिए स्मॉल साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, देखिए फ्रेंड्स स्मॉल साइज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबमिट करते ही सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। एक और है लार्ज आइकन करने के लिए, जो ये आइकन्स है ना, आइकन्स इसको बोलते हैं हम फ्रेंड्स आइकन्स, जो यहाँ पर दिख रहा है रिसाइकल भी जो है साइल भाई, ये सब आइकन बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम राइट बटन क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर लार्ज आइकन, तो देखिए सबसे फर्स्ट में ही आपका लार्ज आइकन दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट में है कि नहीं, तो इस पर क्लिक करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक इतना करते ही ये बड़ा बड़ा दिखेगा फ्रेंड्स, देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इतना हो जाने के बाद हम फिर से सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा लिखा आएगा, उसके बाद ऐसा लिखा आएगा, यस आई एम पर क्लिक करिएगा। यस आई एम पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ से ई से लेके एम तक आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ तक आना है और इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी करने के बाद इसे नीचे लाना है और कन्फर्म कर देना है, ये इंटर बटन प्रेस करते ही ये ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब टेक ए चैलेंज में जाएंगे। टेक ए चैलेंज में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें जाने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, देखो ऊपर क्वेश्चन कह रहा है और कंप्यूटर ये डिवाइस एंड ऑल आउट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वाला पमारता हूँ, यस फ्रेंड्स मेरा बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर आगे भी ऐसे ही बनता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स,